हेलो नमस्ते दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और आपके आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूं। मैं आपका भाई दिनेश कुमार और आपका स्वागत है दिनेश कुमार फैंस ब्लॉग में। आप लोगों का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। ड्राइवरी करना बहुत टफ काम है, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे और कुछ लोग जानते भी होंगे। दोस्तों ड्राइविंग बहुत टफ काम है और अपने हिंदुस्तान में ड्राइवरों के लिए कोई फैसिलिटी, ख़ास तरह की फैसिलिटी है नहीं, ना तो सरकार की तरफ से ना तो देखा जाए पब्लिक की तरफ से। अब पब्लिक की तरफ से मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लो कोई बात हो जाती है तो अपने देश में लोग कानून का पालन ना करते हुए खुद एक्शन ले लेते हैं, खुद ड्राइवरों के साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं, गाली गलौज मारपीट, कोई एक्शन नहीं लेता ये सब देख के, जबकि ये सब गलत है। क्योंकि जब कानून है तो कानून का सहारा लेना चाहिए ना। अगर कानून है तो कानून के पास जाओ, वहाँ क्या दिक्कत है, क्या समस्या है वहाँ बताओ, जो भी होगा जिसकी गलती होगी कानून उसको सज़ा देगा, उससे भरपाई करवाएगा। लेकिन अपने यहाँ भारत में लोग अभी आप ये समझ लीजिए 80% लोग ये रूल को फॉलो नहीं करते। वो खुद सोचते हैं कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही कोर्ट हूँ, मैं ही प्रशासन हूँ, मैं ही शासन हूँ, तो इस तरह का व्यवहार करने लगते हैं, जबकि ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए क्योंकि कानून सबके लिए बनाया गया है। दोस्तों सड़क पर जितने भी लोग निकलते हैं वो सब अपने काम धंधे के लिए, अपनी भाग दौड़, अपनी ज़रूरतों के लिए, आपको तो पता ही है, कोई अपने बिजनेस के लिए दौड़ रहा है, कोई और किसी काम से, मतलब दुनिया भाग रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जो ड्राइवरों के लिए फैसिलिटी नहीं है, सरकार को चाहिए कुछ फैसिलिटी दे, सरकार को चाहिए सरकार भी फैसिलिटी उपलब्ध कराए। अभी अगर देखा जाए तो जो ट्रक हैं, ट्रकों में देखेंगे आजकल 80% लोग सिंगल चलते हैं, ओनली वन, सिर्फ ड्राइवर। ऐसा क्यों, लोग इस धंधे में आना नहीं चाहते, क्यों नहीं आना चाहते, बहुत टफ हो गया है। पब्लिक का डर, सबसे ज़्यादा डर तो पब्लिक का है। मैंने आपको बताया नहीं, पब्लिक ही सोचती है कि मैं ही शासन प्रशासन ही, मैं ही सब कुछ कर लूँ। पब्लिक का पहला रीज़न पब्लिक का व्यवहार, दूसरा रीज़न बड़ी गाड़ी में क्या है, कोई सुविधा तो है नहीं। आप देखेंगे रोड पे जो ढाबे बने हैं, अभी भी 50% ढाबे ऐसे हैं जहाँ शौचालय की व्यवस्था ही नहीं है और कोई वैसी फैसिलिटी नहीं है उनकी तरफ से। देखोगे आप ट्रक ढाबों पे चार पाई वगैरह, पता नहीं कितना दिन का है साला, ऐसा बास मारता, बदबू मारता, दिमाग खराब हो जाए। ये सब चीज़ें, अगर उस पर लेट जाओ गलती से ना तो खुजली हो जाएगा आपको, ये हो गया। और बात है उसमें क्या है कि जो कंपनी है या ट्रक ओनर हैं, बहुत से लोग उनमें ऐसे हैं कि काम करवाते हैं, पैसा देने में उनका दिक्कत होता है, उनका खर्चा कोई निर्धारित है नहीं, किस खर्चे में गाड़ी चलवाएंगे, मुझे क्या बचत होनी चाहिए, ड्राइवर को क्या बचत होना चाहिए, तो यही बहुत सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों एक बात है कि अपने जो भारत में ट्रक आती है वो एक क्या है कि नंगी सी चेचिस आती है, तो उस पर केबिन, उसका बॉडी बनाया जाता अलग से, जबकि ये सिस्टम अब ख़त्म होना चाहिए। केबिन बननी बनाना आना चाहिए, मतलब रेडीमेड कंपनी बना के केबिन दे, एसी वगैरह लगा के दे। गर्मियों में बहुत दिक्कत होता ड्राइवरों के लिए दोस्तों, क्योंकि मैं एक खुद एक ड्राइवर हूँ, वो बुरा हाल हो जाता है जिसका कोई जवाब नहीं, प्यास से तो समझ लो पेट भरता नहीं, और आपको देखा जाए तो बहुत बहुत बुरा हाल हो जाता है, पेशाब का दिक्कत हो जाता है ड्राइवरों को। अगर ट्रकों में एसी रहेगा तो ड्राइवर को आराम महसूस होगा।
तो यही सब बहुत सारे रीजन हैं दोस्तों। अच्छा, जबकि ड्राइवरों में भी कुछ ऐसे लोग हैं इनको कुछ पता है नहीं। और एक और डिमांड है कि ड्राइवर भी होने के लिए पहले तो अंगूठा छाप भी चले आए, बस ड्राइवर बन गए। दोस्तों, ज़्यादातर पुलिस के भी लोग हैं ड्राइवरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, कुछ अधिकारी लोग भी हैं गलत व्यवहार करते हैं, यानी कि ड्राइवर का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं करते ड्राइवर का। मैं कहता हूँ भाई, आप लोग क्यों ऐसा करते हो, ये सब गलत बात है। देश में कानून है, शासन है, प्रशासन है, उसके हिसाब से काम होना चाहिए ना। आखिर में ड्राइवर आदमी नहीं है क्या? ड्राइवर भी तो आदमी ही है भैया, देश की सेवा कर रहा। ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही होता है, इसलिए उसका इज्जत करें आप लोग, समझ गए ना। और रही बात अपने परिवार के लिए, दिन रात मेहनत करता है, मालूम है आपका, सबसे ज़्यादा जागने वाला ड्राइवर ही होता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला। पर मेहनताना क्या मिलता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि महीना दो दो महीना उसके घर का खर्चा भी नहीं निकल पाता है ड्राइविंग करके, ट्रक चला के। ये स्थिति होती है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मालिक लोग कोई किलोमीटर खर्चा कर रखा, कोई फिक्स कर रखा है, कोई सैलरी वगैरह निर्धारित नहीं है इनका। गाड़ी अच्छा माइलेज दिया तो आपको चलो ठीक है, 10,000-20,000 महीने का हो जाएगा मुनाफा, और गाड़ी अगर माइलेज नहीं दिया तो खाली खाली। कभी कभी तो यहाँ तक हो जाता है दोस्तों कि मालिक गाड़ी से हटा ही देता है, क्यों, गाड़ी माइलेज जब देती नहीं है। ड्राइवर बोलता है सर आपकी गाड़ी नहीं पहुंच पा रही, गाड़ी माइलेज नहीं दे रही, तो उसको हटा भी देते हैं बिना पैसे दे के। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसा सिस्टम है दोस्तों, ये सब ख़त्म होना चाहिए। एक सिस्टम सरकार को बनाना चाहिए कि देश में ड्राइवरों के लिए एक डिग्री होनी चाहिए, मान लो हाई स्कूल, इंटर या कुछ भी निर्धारित कर दो, एक कोर्स होना चाहिए ड्राइवर के लिए, जिससे कि पढ़े लिखे शिक्षित समझदार ड्राइवर रोड पर चलें और उनकी सैलरी निर्धारित हो एक हिसाब से, जिससे उनका खर्च चले। उनके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए, मतलब उनके परिवार के लिए कुछ फैसिलिटी सुविधा होना चाहिए। दोस्तों, हमने ऐसे ऐसे ड्राइवर देखा है कि जो कि खुद अपने परिवार के लिए काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं दोस्तों, उसके बाद अगर उनके साथ कोई अनहोनी, कोई घटना घट जाती है। कितने ड्राइवर ऐसे हैं, कितने मालिकों ने ड्राइवरों के साथ ऐसा व्यवहार किया, एक्सीडेंट वगैरह होने पर उसको उसके घर भेज दिए, इलाज तक नहीं करवाए। तो ये सब नहीं होना चाहिए दोस्तों। और मेरा अपील है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करके चैनल लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहें दोस्तों।